नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। महाराष्ट्र के ठाणे पश्चिम स्थित कंपनी में लगा आग, दमकल विभाग आग बुझाने में जुटा। महाराष्ट्र में अब वन क्षेत्रों के आसपास आदिवासी बना सकते हैं अपना घर। उच्च शिक्षण संस्थानों के 1000 छात्रों का स्टार्टअप चयन करने पर 3 साल में मिलेंगे 30 लाख रुपए। नासा की तस्वीर में खुलासा, हरियाणा में भी जल रही पराली, मंत्रालय की बैठक कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच दिसंबर में होगी डिजिटल बैठक। ओडिशा सरकार का धार्मिक स्थल खोलने से इनकार, जगन्नाथ मंदिर के 404 कर्मचारी संक्रमित। मुंबई में बिना मास्क के ऑटो, टैक्सी और बस में यात्रा करने पर बीएमसी ने लगाई रोक। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार कुछ ऐसा करे कि आम लोग भी लोकल ट्रेन से यात्रा करें। कर्नाटक विधान परिषद की 4 सीटों पर 28 अक्टूबर को होंगे चुनाव। सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति के प्रमुख बने रहेंगे थरूर। कोरोना वैक्सीन वितरण पर 80,000 करोड़ खर्च की बात पर स्वास्थ्य मंत्रालय सहमत नहीं। अभिजीत बनर्जी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता श्री कृष्ण बिरला का निधन। गृह मंत्रालय ने कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के आरोप सच्चाई से परे, कानून सबके लिए बराबर है। लुफ्थांसा ने केंद्र से विवाद के बाद 20 अक्टूबर तक रद्द की भारत जर्मनी की सभी उड़ानें। हाथरस दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर विपक्ष ने उठाए सरकार के मौन पर सवाल। कोरोना वायरस की चपेट में आए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, पत्नी की रिपोर्ट निगेटिव। भारत बांग्लादेश की विदेश मंत्रियों की बैठक, द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति पर जताई संतुष्टि। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना मामले में संजय राउत से पूछा, क्या एक सांसद को इस तरह जवाब देना चाहिए। सीवीसी ने भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की दी थी सलाह, 54 मामले में नहीं हुआ अमल। आंध्र प्रदेश में 2 नवंबर को नहीं खुलेंगे स्कूल, अब 5 अक्टूबर तय की गई तारीख। रह रहकर उलझती जा रही है भारत चीन रिश्तों की डोर, अब एलएसी को लेकर चीन ने छेड़ी नई बहस। सुशांत मामले को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार और पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर साधा निशाना। आंध्र प्रदेश के डीजीपी ने चंद्रबाबू को दी नसीहत, कहा कि मीडिया में पत्र लीक ना करें। प्रतिबंधों में और राहत के साथ तमिलनाडु में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा।